हेलो स्टूडेंट, आज का जो अपना ये जो वीडियो है जो ऑलरेडी मैंने लिख दिया है यहाँ पर, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट के अंदर मैं आज आपको लैटिस पॉइंट के बारे में बताऊंगा, ठीक है। लैटिस पॉइंट के अंदर भी मैं दो चीज बता रहा हूँ। देखो, एक आपके पास क्रिस्टल लैटिस है और आपके पास एक ब्राविस लैटिस है, ठीक है। तो फिलहाल हम बात करते हैं क्रिस्टल लैटिस की, ब्राविस लैटिस के बारे में बाद में देखते हैं, ठीक है। हमारे टोटल बोलते ना डिफरेंट सेवन टाइप्स के क्रिस्टल्स हैं, क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, फिर इसके बाद आपका ऑर्थोम्बिक है, रोम्बोहाइड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है और ट्राइक्लिनिक है। ये जो मैंने सात जो क्रिस्टल्स मैंने लिखे हैं वो आप भी यही सीक्वेंस में आप याद करोगे। बुक के अंदर अगर आप देखोगे ना तो थोड़ा ऊपर नीचे करके दिया होगा, तो जिसकी वजह से अगर मैं एज लेंथ और अगर मैं उसका इंटरफेशियल अगर एंगल निकालता हूँ तो थोड़ा मुझे याद करने में दिक्कत होती है। लेकिन मैंने जो अरेंज किया ना, अगर आप इसी अरेंजमेंट के हिसाब से आप याद करोगे ना, तो ये बोलते ना आरटी आपको 5 मिनट के अंदर पूरा याद हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइदर आपको आप बोलते ना सीईटी पकड़ लो, बोर्ड में भी एमसीक्यू पूछते हैं इससे, और एंट्रेंस लेवल के हिसाब से भी ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो बोलते ना स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन इसमें से पूछता है, ठीक है। अब बात करते हैं एज लेंथ की। जब भी हम बात करेंगे एज लेंथ के बारे में तो हमारे पास तीन चीजें याद रहनी चाहिए, ए बी सी, ये तीन चीज हमारे पास याद रहना चाहिए। तो जब हम क्यूबिक की बात, देखो मैंने एक रेशियो बनाया, जब हम क्यूबिक देखो क्यूबिक टेट्रागोनल ऑर्थोम्बिक रोम्बोहाइड्रल हेक्सागोनल मोनोक्लिनिक और ट्राइक्लिनिक, ठीक है। तो जब मैं क्यूबिक के बारे में बात करता हूं तो क्यूबिक के बारे में तुरंत लिखता हूं ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, ये मैं तुरंत लिखता हूं। अब आप बोलोगे टेट्रागोनल के बारे में जो हमको लिखना रहेगा, तो हम एक एक को, अभी जैसे तीनों इक्वल था, तो जब भी मैं टेट्रागोनल के बारे में लिखूंगा तो मैं एक एक को अनइक्वल करते जाऊंगा, एक एक को अनइक्वल, वो भी राइट हैंड साइड से। तो कैसे हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, बराबर। अभी एक और बचा है अनइक्वल करने के लिए, अभी तो एक ही अनइक्वल किया, एक और अनइक्वल करो, ए बी सी। देखा मैंने स्टार्टिंग में किया तीनों इक्वल था, बाद में एक को अनइक्वल किया, बाद में दोनों को अनइक्वल कर दिया, ठीक है। तो मतलब ऑर्थोमोबिक रहेगा उसका, तो ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू, मतलब तीनों का लेंथ बराबर नहीं होगा। फिर जब हम रोम्बोहाइड्रल की तरफ जाएंगे तो फिर यही सीक्वेंस फिर से आप रिपीट करो, ये जो सीक्वेंस है इसको फिर से आप रिपीट करो। तो ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, फिर सेकेंड इक्वेशन ए इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, उसके बाद मोनोक्लिनिक के लिए ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, मतलब हो गया। देखो मैंने क्या किया, पहले में सारे इक्वल थे, उसके बाद राइट साइड में एक अनइक्वल, उसके बाद दोनों अनइक्वल, बाद में यही तीनों को फिर से मैंने तीनों को रिपीट कर दिया, सेम रिपीट कर दिया। और जो लास्ट का जो अपना ट्राइक्लिनिक होता है, ट्राइक्लिनिक तो बहुत ज्यादा टूटा हुआ, मतलब बोलते हैं ना लेंथ उसकी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होती है, तो उसमें तो कभी मिक्स कभी मैच करता ही, तो ये भी ए नॉट इज इक्वल टू बी नॉट इज इक्वल टू सी, खत्म हो गया, ठीक है। तो ये हमारा रेशियो मैंने निकाल दिया आपको एज लेंथ के बारे में। आपको ये ऐसे याद करना जैसे मैंने लिखा हुआ है, तो ही आपको याद रहेगा। पहले तीनों, पहले वाले में सब इक्वल, दूसरे वाले में एक अनइक्वल, तीसरे वाले में दोनों अनइक्वल, वही तीन को रिपीट मारो, लास्ट वाला और ये देखो सेकंड लास्ट वाला सेम होगा, बस खत्म। अब अगर हम इंटरफेशियल एंगल की जब हम बात करते हैं, तो एंगल के बारे में जब हम देखेंगे तो अल्फा बीटा गामा आना चाहिए, तो ये बहुत ईजी है। तो जब ये सब इक्वल है तो तुरंत आप अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, खत्म, बराबर। अब तुरंत आप नीचे आओ, तुरंत आप नीचे आओ, इसमें आप तुरंत कर दो नीचे लास्ट वाले में, अल्फा नॉट इज इक्वल टू बीटा नॉट इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, खत्म, ऐसा लास्ट वाले में, ठीक है। देखो मैंने पहले वाले में इक्वल करके 90 दिखा दिया, लास्ट वाले में अनइक्वल करके 90 दिखा दिया। अब मिडल के कैसे आपको याद करें, तो उसका भी मैं आपको मेथड बता देता हूं। पहले तीन है ना वो सेम होंगे, पहले तीन वाले जो मेरे क्रिस्टल्स होंगे वो उनके एंगल्स हमेशा सेम होंगे। तो पहला तीन मतलब ये और ये, तो फिर से इसको तीन बार लिखना है, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90, ये हो गया। फिर से अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये हो गया, खत्म। मतलब देखो मैंने बोला ना पहले आपके तीन सेम होने चाहिए, तो एक दो तीन, देखो तीनों सेम है। फोर्थ मतलब क्या है, फोर्थ मतलब रोम्बोहाइड्रल जब हम करेंगे तो उसको अनइक्वल कर दो, तो अनइक्वल मतलब क्या, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री, खत्म, बस नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब पहले तीनों दिख रहे सेम था, लास्ट वाले को आपने अनइक्वल कर दिया, बराबर। और जो फोर्थ वाला था, ये तीनों को देखो, तीनों तो इक्वल हो रहे थे, तो फोर्थ वाला अनइक्वल हो गया। अब बस आपको याद ये देना, हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक आपको याद रखना पड़ेगा, उसमें थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा, रिलेशन थोड़ा सा चेंज होगा। अभी रिलेशन कैसे चेंज होगा अभी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान दे देना एकदम अच्छे से। तो इसमें जो रहेगा ना, इसमें याद रखो, जब भी हम हेक्सागोनल के बारे में देखते हैं तो वहां पे अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ध्यान रखना अल्फा इज इक्वल टू बीटा, ये आपका आएगा 90 डिग्री, ठीक है। और जो आपका गामा आएगा वो आएगा आपका 120 डिग्री, ये याद रखो।
इज इक्वल टू बीटा आपका 90 डिग्री आएगा और जो आपका गामा आएगा वो आपका 120 डिग्री आएगा, एंगल बदल गया थोड़ा सा। मतलब मैंने आपको बोला ना आपको ये दोनों बस याद रखने पड़ेंगे। अब जब मैं मोनोक्लिनिक के बारे में अगर मैं जाऊंगा तो मोनोक्लिनिक के अंदर भी थोड़ा सा उसका बोलते ना थोड़ा सा उसका रिलेशन चेंज होगा। रिलेशन चेंज मतलब अल्फा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अल्फा बीटा का रिलेशन था, यहाँ पे अल्फा गामा का रिलेशन हो गया। अब तुरंत साइड में बीटा इज नॉट इज इक्वल टू 90 डिग्री खत्म हो गया। ठीक है, फिर से देखो मैंने क्या किया, पहले क्यूबिक है, टेट्रागोनल है, ऑर्थोमोबिक है, रोम्बोहाइड्रल है, हेक्सागोनल है, मोनोक्लिनिक है, ट्राइक्लिनिक है, बराबर है। ये एज लेंथ मैंने कैसे निकाला, पहले वाले में तीनों इक्वल, बाद में एक अनइक्वल, बाद में दोनों अनइक्वल, ये तीन को तीन बार मैंने रिपीट कर दिया। ठीक है, लास्ट वाले में तीनों को मैंने अनइक्वल दिखा दिया। इंटरफेशियल एंगल की अगर मैं बात करूं तो पहले का एंगल तीनों इक्वल हो, अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा इज इक्वल टू कितना होगा 90 डिग्री। अब ये मैंने तुरंत यहां पे नीचे आके अनइक्वल करके 90 दिखा दिया। अब यही चीज को आपको तीन बार लिखना है, तो एक बार यहां हो गया, एक बार यहां, एक बार यहां, तीनों में अगर इक्वल हो गया तो चौथा तो अनइक्वल होना ही था, चौथा अनइक्वल हो गया। बस आपको याद ये दोनों रखना है, इसमें अल्फा बीटा 90 गामा 120 होगा, मोनोक्लिनिक में अल्फा और गामा आपका 90 होगा पर बीटा 90 के बराबर नहीं होगा, खत्म। तो ये उसका रेशियो था। ये जो हमने निकाला इसको हम कहते हैं क्रिस्टल स्लैटिस कहते हैं। अभी अपना ब्राविस लैटिस बाकी है। मेथड समझ में आ गया, चीजें समझ में आ गई आपको, ठीक है। चलो अब हम जाते हैं ब्राविस लैटिस के बारे में। ब्राविस लैटिस हमको क्या बताता है, पता है आपने सुना होगा ना, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, बराबर, एंड सेंटर्ड, ये सारी चीजें, मतलब वो सारी चीजें बनती है कि नहीं इसमें, तो वही चीज हमको निकालनी है। हमारा क्रिस्टल स्लैटिस हो गया। जब हम ब्राविस लैटिस के बारे में जब हम देखेंगे तो हमारे पास एक कुछ चीजें थी, सिंपल क्यूबिक है, ऊपर लिख दे रहा हूं थोड़ा सा, सिंपल क्यूबिक है, फिर इसके बाद बॉडी सेंटर्ड है, इसके बाद फेस सेंटर्ड है, और इसके बाद एंड सेंटर्ड है। देखो ये ऐसा, ये ऐसा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, और अपने पास एंड सेंटर्ड है। अब इसका भी कुछ चीजें हैं, फटाफट आप क्या करो तुरंत पता है, सब पहले सिंपल क्यूबिक में सबको राइट कर दो, ये राइट, सेवन राइट कर दो, तीन चार पांच छ और सात, मतलब सिंपल क्यूबिक प्रिमिटिव सब में बनता है, सिंपल क्यूबिक और जो प्रिमिटिव है सब में बनता है। ठीक है, अब उसके तुरंत आप क्या करो पता है, जो आपका ट्राइक्लिनिक मतलब जो आपका लास्ट है ना, लास्ट से एक ऊपर जाओ, लास्ट से एक ऊपर जाओ, मतलब सिक्स वाले पे, लास्ट वाले में इसको राइट टिक कर दो, इसको यहां से राइट टिक कर दो, मतलब सेकंड लास्ट वाला भी राइट, मतलब जो मेरा मोनोक्लिनिक था उसमें मेरा एंड सेंटर भी बनता है, जो मेरा मोनोक्लिनिक है उसमें एंड सेंटर भी बनता है। आप तुरंत आप एक रेशियो, तुरंत आप यहां पे एक सीक्वेंस याद रखो, सीक्वेंस विल बी, मैं यहां पर लिख देता हूं 3 2 4, मतलब पहले वाले जो कॉलम क्यूबिक में तीन राइट टिक्स होने चाहिए, तो एक राइट टिक्स है, ये दूसरा राइट टिक्स, ये तीसरा राइट टिक्स, तीन राइट टिक्स हो गए। दूसरा देखो 3 के बाद 2 है फिर 4 है, तो दूसरे लाइन में दो राइट टिक्स होने चाहिए, ये दो राइट हो गया। तीसरे वाले में चार राइट टिक्स होने चाहिए, ठीक है, तो एक ऑलरेडी था, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, खत्म। अब बाकी जितने बचे सबको क्रॉस कर दो, ये क्रॉस हो गया, ये तीन था, ये क्रॉस, 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 फिर ये क्रॉस हो गया और ये क्रॉस हो गया और ये क्रॉस हो गया। ठीक है, अभी टोटल आप ही बताओ, टोटल अगर मैं देखूं, अगर मैं बोलता हूँ लैटिस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ, टोटल मेरे मैंने क्रिस्टल्स मेरे पास कितने, सात है, तो 7 × 4 अगर मैं करूंगा तो टोटल मेरे 28 लैटिस होने चाहिए, बट 28 नहीं होंगे, 14 लैटिस होते हैं टोटल। अब अपना जो राइट टिक्स है वो 14 आना चाहिए, वो बराबर है कि नहीं, 14 काउंट करते हैं, आ रहा है कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 बराबर, कंफर्म हो गया। अब इसमें से क्वेश्चन आपको कैसे पूछेगा पता, कि ऐसा कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा क्रिस्टल्स है जिसमें सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, एफ सेंटर्ड और फेस है, एंड सेंटर्ड तीनों बनता है, तो चारों राइट टिक्स वाले कॉलम देखो ना, काउंट कर लो, चार, ए बी राइट, ए बी राइट, ए बी राइट, ए बी राइट, थर्ड वाला क्या, ऑर्थोमोबिक, खत्म, बराबर। फिर आपको पूछेगा कि ऐसा कौन सा चीज, ऐसा कौन सा, मतलब बोलते हैं ना, ऐसा कौन सा इसमें से आपको क्रिस्टल्स मिलेगा जिसके अंदर सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर्ड दोनों बनता है, सिंपल क्यूबिक और एंड सेंटर्ड दोनों बनता है, तो अपने पास दो ऑप्शन है, एक अपने पास ऑर्थोमोबिक है जिसमें दोनों बन रहा है, और एक आपके अपने पास मोनोक्लिनिक है इसमें भी दोनों बन रहा है। तो ये जो हमने निकाला इसको हम बोलते हैं ब्राविस लैटिस, बराबर। ब्राविस लैटिस में फिर से आप देख लो, पहले स्टार्टिंग में सबको राइट कर दो, और इसके बाद तुरंत सेकंड लास्ट को एक राइट मार दो, लास्ट में सेकंड लास्ट से एक सेकंड लास्ट को राइट कर दो, और इसके बाद ये रेशियो याद रखो 3 2 4, तो पहले में तीन राइट, पहले में तीन राइट होने चाहिए, पहले में तीन राइट होना चाहिए, पहले वाले में आपका तीन राइट, तो एक राइट, दो राइट, तीन राइट, सेकंड वाले में फिर दो, उसके बाद फिर चार, फिर जो भी बचा उसको क्रॉस क्रॉस, लास्ट में आपके 14 लैटिस पॉइंट आने चाहिए, तो टोटल आप राइट ही करो तो 14 पॉइंट्स हो गए,
ये खत्म हो गया। इसको हम कहते हैं ब्राविस लैटिस, इसको हम कहते हैं ब्राविस लैटिस। इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको पूछते हैं, इसमें से भी बहुत सारा क्वेश्चन आपको पूछेगा, मतलब कौन सा ऐसा एग्जाम्पल है, मतलब इसमें से कौन सा ऐसा क्रिस्टल पॉइंट है जिसके अंदर सिर्फ टेक्टोन, जिसके अंदर सिर्फ मतलब टेक्टोन, मतलब बोलते ना जिसमें सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड बन रहा है, सिंपल क्यूबिक और सिर्फ हाँ सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड बन रहा है, तो वही है मेरे पास देखो, सिंपल क्यूबिक और बॉडी सेंटर्ड बन रहा है, तो मतलब मेरा ये कौन सा है टेट्रा बना, देखो खत्म। अगर मैं ऑर्थोमोबिक की बात करूँ इसमें चारों बन रहा है, अगर मैं क्यूबिक की बात करूँ इसमें तीनों बन रहा है, तो मेरे को सिर्फ चाहिए था तो मैंने ये दो टिक देखा, वो दो टिक के हिसाब से बराबर है। तो आपको ये सीक्वेंस अच्छे से याद रखना है, ये सीक्वेंस अगर आप याद रखोगे ना तो चीजें बड़ी आसान हो जाएगी, आप आराम से निकाल लोगे इसको, ठीक है। चलो इसमें टॉपिक एक और है, एक चीज मैं आपको और एक सॉलिड स्टेट के बारे में बता देता हूँ, वो चीज है आपका मैग्नेटिज्म के बारे में आपने सुना होगा, वो भी आपका सॉलिड स्टेट के अंदर ही है। एक टोटल टाइप के मैग्नेटिज्म अगर आप देखोगे तो मैग्नेटिज्म फिलहाल हम बात कर रहे हैं दो टाइप के मैग्नेटिज्म, एक होता है आपका डायमैग्नेटिक होता है और एक होता है आपका पैरामैग्नेटिक होता है। तो जब मैं मैग्नेटिज्म के बारे में अगर मैं देखूंगा तो एक मेरे पास डायमैग्नेटिक होगा, और जब मैं दूसरी की बात करता हूँ तो दूसरा मेरे पास यहाँ पे होगा पैरामैग्नेटिक होगा, एक डायमैग्नेटिक मैग्नेटिक होगा और दूसरा अगर दूसरे की अगर मैं बात करूँ तो एक मेरे पास पैरामैग्नेटिक होगा, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा, डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। अभी डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक आखिरकार हम लोग निकालते हैं ऐसे, तो वो निकालने के लिए हम लोग को क्या चाहिए रहना है, बीओ, बीओ मतलब बॉन्ड ऑर्डर पता रहना चाहिए। वो भी बॉन्ड ऑर्डर कहाँ से निकालते हैं, एमओटी से, कहाँ से निकालते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी से निकालते हैं। तो बहुत बड़ा डायग्राम है, वो डायग्राम वाइग्राम ड्रॉ करो फिर निकालो, बहुत टाइम खींचेगा, तो मेरे पास आज कुछ शॉर्टकट है। डायमैग्नेटिक होगा ना तो ये जो आपका सम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वो हमेशा इवन होता है, याद रखना, और ये जो आपका सम ऑफ जो इलेक्ट्रॉन्स होता है ना वो हमेशा ऑड होता है, ये याद रखना पड़ेगा आपको, इवन और ऑड याद रखना पड़ेगा, इवन हुआ तो डायमैग्नेटिक, ऑड हुआ तो फिर पैरामैग्नेटिक, बस ये याद रखोगे ना तो बाकी जो भी चीज है वो आप एक बोलते ना एक सेकंड बोलते ना दो से तीन सेकंड में सॉल्व हो जाएगा। अब कैसे सॉल्व होगा मैं बता देता हूँ आपको। अब इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन कहता है ये, मैं साइड में लिख देता हूँ यहाँ पे एक्सेप्शन में, कि अगर जो सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना अगर वो आपका 10 या तो 16 है तो भी वो आपका पैरामैग्नेटिक है, तो भी वो आपका पैरामैग्नेटिक है वो, तो ये चीज आप याद रखोगे, ये हमेशा याद रखोगे, एक्सेप्शन है ये, 10 और 16 होगा तो वो भी आपका पैरामैग्नेटिक है, लेकिन क्योंकि आप देख रहे हो तो 10 और जो 16 है वो आपका इवन नंबर है ना, वो तो आपका डायमैग्नेटिक होना चाहिए नहीं, बट वो आपका पैरामैग्नेटिक होगा, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब कैसे मैं सॉल्व करके बता देता हूं, मुझे कहता है N2 डायमैग्नेटिक है कि पैरामैग्नेटिक है, तो आप कैसे निकालोगे, आप तुरंत नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर, नाइट्रोजन का अगर मैं दिखा, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, N2 दे रहा है तो ये हो गया आपका 2×7, तो टोटल की बात करूं तो ये कितना हो जाएगा 14, अब 14 मेरा इवन आ रहा है कि ऑड आ रहा है, 14 मेरा इवन दे रहा है कि ऑड दे रहा है, तो इवन आ गया, ये मेरा हो गया डायमैग्नेटिक, हो गया डायमैग्नेटिक हो गया, ठीक है। अभी इसी के रिस्पेक्ट में अगर मेरे को ऐसा लिख के देता है N2-2 है, N2-2 है बराबर है, अभी N2 का -2 का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन देने वाला कि लेने वाला, वो तो लेने वाला है, माइनस का सिंबल कब आता है जब इलेक्ट्रॉन लेता है, तो ऑलरेडी 14 इलेक्ट्रॉन्स था और दो उसने ले लिया, तो 14+2=16, 16 अब मेरा इवन है कि ऑड है, तो 16 मेरा इवन है तो मेरा डायमैग्नेटिक होना चाहिए, नहीं देखो मैंने यहाँ पे एक्सेप्शन डाल दिया, यहाँ पे 16 है तो ये मेरा कैसा बिहेव करेगा, पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा, खत्म, ठीक है। अगर यही मेरा अगर ऐसा होता मैं यहाँ लिख देता हूँ कहीं पर N2-1 है, तो N2 का कितना हो गया 14, तो 14+1 एक ही ले रहा है, तो मतलब कितना हो गया 15 मेरा ऑड आ रहा है, ऑड आ रहा है तो ये वाला भी बिहेव मेरा कैसा करेगा, पैरामैग्नेटिक, बराबर। तो आपको याद क्या रखना है कि अगर सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इवन होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर आपका इवन देगा, इवन होगा तो आपका डायमैग्नेटिक होगा, सम ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आपका ऑड होगा तो ऑड मतलब आपका पैरामैग्नेटिक होगा, और ये सिस्टम याद रखना पड़ेगा आपको, एक्सेप्शन है 10 और 16 अगर होंगे तो आपके हमेशा पैरामैग्नेटिक्स होते हैं। एक दो और एग्जांपल मैं आपको करके बता देता हूं, ठीक है। देखो अगर मुझे यहां पे फॉर्मूला दे रहा है, कैसे लेते हैं, कोई भी एक फॉर्मूला लेते हैं, वही लेते हैं, O-2 दे रहा है, O-2 दे रहा है फटाफट, ठीक है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 और ये हो गया आपका 16, 2-2 मतलब 2 ले रहा है, तो टोटल देखो ना 16 और +2 ऐड करो तो ये आपका 18 हो गया, तो ये ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, इधर इवन हो गया तो इवन के हिसाब से ये आपका डायमैग्नेटिक होगा, माइनस हुआ तो मतलब वो ले रहा है ना, अगर अगर आपका O2 +2 दिया रहता, अगर O2 आपका +2 दिया हुआ है, अगर ऐसा दिया हुआ है
तो ऑक्सीजन का कितना हो गया ये आपका 16, एक का 8 होता है तो 2 का 16 है, प्लस मतलब देने वाला, मतलब उतना आप माइनस करो, तो माइनस 2 करो तो ये आ गया आपका 14, तो 14 आपका ऑड आ रहा है कि इवन आ रहा है, तो 14 वाला भी इवन आ रहा है, तो इवन के हिसाब से ये भी आपका डायमंड है। और सिर्फ अगर आपका O2 है, तो O2 का तो आपको पता ही है 8 और 8 16 हो गया, तो 16 एक्सेप्शन में दे रहा है, तो ये आपका पैरामीटर ऐसा। इसमें बहुत सारी चीजें आपको देती है, मतलब याद रखना प्लस हुआ ना, अगर पावर में प्लस दिया हुआ है तो उतना आप क्या करोगे, प्लस दिया रहे तो उतना आप कम कर दो टोटल करने के बाद, और अगर माइनस दिया रहेगा तो उतना आपको ऐड करना पड़ेगा। अगर मतलब मेरे को दे रहा है यहाँ पे, मेरे को दे रहा है यहाँ पे Li प्लस वन दे रहा है, Li प्लस वन दे रहा है, तो प्लस वन दे रहा है मतलब वो एक तो दे रहा है ना, तो मतलब Li का जो एटॉमिक नंबर है वो तो आपका पकड़ लो 3 हो गया, फिर वो एक दे रहा है मतलब ये मेरा माइनस वन हो गया, इज़ इक्वल टू 2 डायमेंसिटी हो गया। अगर यही मुझे दे रहा है कि यहाँ पे Li प्लस 2 दे रहा है, तो फिर 3 माइनस 2 ये हो गया 1, ये ऑड हो गया, तो पैरामैग्नेटिक हो गया। बस तो यही कॉन्सेप्ट था मेरा डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक का। तो हमेशा याद रखो, इवन होगा तो आपका डायमैग्नेटिक होगा, और अगर ऑड होगा तो आपका पैरामैग्नेटिक होगा। एक्सेप्शन में आपको 10 और 16 के बारे में मैंने बताया, अगर किसी का 10 होता है, किसी का अगर 10 होता है मतलब वो 10 वाला ऑप्शन आपको ये मिलेगा, जैसे बी 2 दे रहा है, बोरॉन का एटॉमिक नंबर मतलब 5 हो गया, तो ये 2 दे रहा है, तो 5 × 2 करो तो ये आपका 10 हो गया, तो 10 तो आपका इवन हो रहा नहीं, बट लेकिन ऑलरेडी मेरे पास एक्सेप्शन दिया हुआ है, तो ये भी मेरा पैरामैग्नेटिक बिहेव करेगा। तो ये भी कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है सॉलिड स्टेट का, जहाँ पे हम मैग्नेटिज्म के बारे में देखते हैं, ठीक है। तो अगर ये वीडियो आपको लाइक, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। और कुछ भी डाउट हो रहा है, कुछ भी इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है, तो मुझे कमेंट करके बताओ, तो मैं उस कमेंट में वो चीज़ें सॉल्व करके आपको दे दूंगा। अगले वीडियो में हम कुछ और एक दो टॉपिक का मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा, ठीक है। चलो मिलते हैं अगले वीडियो के लिए।